हेलो दोस्तों, स्टडी कीड़ा के अगले भाग में आपका स्वागत है। तो हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी, इसके अंदर हम कार्य और समय पढ़ रहे थे। तो हमारा एक लेक्चर हो चुका है, अब हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम तीन तीसरी टाइप हमारी लास्ट टाइम चल रही थी, तो उसके कुछ है क्वेश्चन है हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए तो शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसके साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो हमारे इस पर सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो पहले दिन ए दूसरे ए काम कर रहा है, ए तो हमेशा हमेशा ही काम करता रहेगा, लेकिन पहले दिन बी आ गया उसके साथ काम करने, अगले दिन सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, तो इसी प्रकार से कार्य हमारा कंटिन्यू है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोस्तों मैंने तुम आपको बताया था कि जब भी सीक्वेंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो हम खाली वहां तक का लेंगे, तो देखो यहां तक से ही लेंगे, इससे पीछे पीछे का लेंगे, बाकी हमारा सीक्वेंस दोबारा वही आने लग गया है ना। तो स्टार्टिंग हमें हर एक क्वेश्चन की सेम वैसे ही करनी है, 12, 15, 20, ए बी सी, इनका एलसीएम लिख लिया ऊपर, 12, 5, 15, 24, 20 दिया, ठीक है। तो अब यहां पे दिन क्या है, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं, तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। काम हमने कितना कर लिया, देखो ए और बी कितना है, 9, बी और सी, ए और सी कितना है, 8, तो 2 दिन के अंदर हमने कितना काम कर दिया, 17 काम हमने 2 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है। तो अब हमने पिछली बार की तरह इसको करेंगे, 60 के पास लेके जाएंगे, 60 के पास लेने जाने के लिए हम इसको 300 गुना कर देते हैं, तो हमने 3 से यहाँ गुना कर दिया, 3 से वहाँ कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया, 51 काम हमारा समाप्त हो गया, और यहाँ हो गए 6 दिन, ठीक है। तो अब किसकी बारी आएगी, देखो अब अगले दिन किसके बारी आएगी, ए और बी की बारी आएगी, और वो एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, और हमारा काम भी 9 बचा हुआ है, 51 काम हम कर चुके हैं, टोटल काम हमारे पास 60 है, हमारे काम 9 काम बचा हुआ है, और अगले दिन बारी आएगी ए और बी की, तो एक दिन हो गए और काम हमारे पास कितना हो गया, 9 काम हमारा बचा हुआ था, और 9 ही ए और बी करते हैं, 9 काम हमारे पास बचा हुआ था, 9 ही ए और बी करते हैं, तो कितना है, एक, वो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 7 दिन और 60 काम, 7 दिन के अंदर हमारा 60 काम पूरा कंप्लीट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 7 दिन, 7 दिन के अंदर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान देने की है कि 51 काम होने के बाद काम हमारा कितना बचा हुआ है, 9, और बारी किसकी आ रही है, ए और बी की आ रही है, वो 9 तो कर ही देंगे पूरा, वो ए और बी मिलके एक दिन के अंदर 9 काम करते हैं, 9 काम हमारा बचा हुआ है, तो एक दिन के अंदर ही काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए शुरू से लेके अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पिछली बार जैसा ही है, सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी आ रहे हैं उसके साथ काम करने के लिए, है ना, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसके साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो इस प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है, और ए तो शुरू से लेकर अंत तक कार्य कर रहा है, वो तो उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया है, ए बहुत मेहनती है भाई, शुरू से लेकर अंत तक कार्य करेगा, लेकिन दूसरे दिन बी और सी इसके साथ कार्य कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन हमें सेम स्टार्ट वैसे ही करना है, 10, 20, 30, ए बी सी, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 60, 6, 3 और ये 2 आ गया, है ना। किसको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा पहला भाग देखें, उसके अंदर मैंने समझाया था कि ये चीज़ भाई 6 क्या है, एक दिन का काम होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो यहाँ तक ही हम लेंगे क्योंकि रिपीट होना स्टार्ट हो गया आगे, तो एक दिन के अंदर एक कितना काम करता है, 6 काम करता है, और ये तीनों कितना काम करते हैं, 6 और 3, 2, 11 काम करते हैं, ठीक है। तो यानी 2 दिन के अंदर हमारा काम हो रहा है 17 काम, अब हमें दोबारा 60 के पास लेके जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3, 3, 51 काम हमारा समाप्त हो गया और दिन हो गए 6, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी ए की, ए की अगर बारी आएगी तो वो कितना काम करेगा, 6, लेकिन दिन हमारा एक ही लगा ना, तो 51 प्लस में 6 काम कितना हो गया, 57 काम हमारे पास समाप्त हो गया और दिन हो गए 7 दिन, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, अब ए बी सी की आएगी, लेकिन हमारे पास काम कितना बचा हुआ है भैया, काम हमारे पास 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो 7 सही 3/11, 3 मैंने क्या बताया था, जितना काम शेष बचता है, शेष कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ठीक है ना, 3 काम हमारे पास शेष बचा हुआ है ना,
तो वो तीन ऊपर। 11 क्या है जो टोटल एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ए बी सी मिलके जो काम कर सकते हैं, एक दिन के अंदर लिखना था मुझे, एक दिन के अंदर जितना काम ए बी सी कर सकते हैं कितना कर सकते हैं, 11। ठीक है, तो काम यानी ये आठवां दिन है लेकिन आठवां दिन पूरा नहीं हुआ है, लगभग यानी सुबह के आसपास ही हमारा काम खत्म हो गया 3/11। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये रिपीटेशन वाले सवाल एसएससी बहुत पूछता है, तो इस टाइप को जरा हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वैसे टाइप तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर जितनी भी टाइपें आएंगी वो हम सारी कवर करेंगे, टाइप सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, देखो इस बार तीसरे दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं, तो जो यानी अगर आपने सीक्वेंस बना लिया तो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ए फिर ए फिर ए प्लस बी प्लस सी फिर ए फिर ए फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो इसी प्रकार से हमारा कार्य चल रहा है। ठीक है, तो अब पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त होगा, सिंपल हम क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे, 30, 40, 60 ए बी सी, यहाँ कितना गया 120। ठीक है, तो 4, 3, 7, 2 ये हमने बना लिए। ठीक है, अब पहले दिन अगर ए काम कर रहा है तो 4, 4, 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ से अब यहाँ से साइकिल यानी फिर से स्टार्ट हो गई है, फिर से सेम चीज़ आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम तीन दिन के अंदर, यहाँ इस पर तीन दिन हो गए ना, एक दिन ए, एक दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी, तो तीन दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 9 और 4, 13, 4, 17 17 काम हम समाप्त कर रहे हैं तीन दिन के अंदर। ठीक है, अब हमें इसे 120 के पास लेके जाना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 × 7 और 3 × 7, 21 दिन काम हो गया, 119 काम हमने खत्म कर दिया 21 दिन में। अब दोस्तों हमारे पास काम कितना बचा हुआ है, काम हमारे पास एक ही बचा हुआ है, क्योंकि 120 हमारा पूरा काम है, काम हमारे पास एक ही बचा हुआ है, तो मैंने बताया था शेष काम हमेशा ऊपर, एक जो बचा हुआ है, और टोटल हम जो कर सकते हैं एक दिन के अंदर एक ही बारी आएगी, और एक दिन के अंदर ए चार काम कर सकता है भैया, तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 21 सही 1/4 दिन के अंदर हम 120 हमारा काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इस टाइप का ये लास्ट सवाल था, हमारी तीसरी टाइप कंप्लीट हो चुकी है, हम इसे अगले भाग के अंदर हमारी अगली टाइप 4th, 5th जो हमारी दो टाइपें हैं अगले पार्ट के अंदर हम वो करेंगे। सो प्रैक्टिस करो, यानी कोई भी बुक ले लो, राकेश यादव जैसे अच्छी बुक है, राकेश यादव ले लो, इस जिस टाइप से मैं करा रहा हूँ उस टाइप से ही इस बुक के अंदर जो भी हैं क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, कर रखे हैं राकेश सर ने, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर और अगर क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी प्लीज़ उसको बढ़ा लीजिए, 420 कर लीजिए, 360 कर लोगे तब भी यानी आराम से दिख जाएगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे अपनी क्वेश्चंस मेल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू।